हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री ऑफ द डे विथ रेनू। होप यू ऑल आर गुड, हेल्दी एंड फाइन। तो फ्रेंड्स, आज 7 अक्टूबर है और आज से आरंभ हो रहा है शरद नवरात्रि का। तो सबसे पहले आप सभी को शरद नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि नवरात्रि हम लोग क्यों मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो नवरात्रि एक साल में 4 बार आती है, जिसमें चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और आश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहा जाता है, जिसे हम चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि भी कहते हैं। बाकी की जो 2 नवरात्रि हैं, आषाढ़ माह की नवरात्रि और पौष माह की नवरात्रि, उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में हम दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। मान्यता है कि राक्षस महिषासुर ने कठोर तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न कर लिया और उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया और अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करते हुए देवताओं को परेशान करने लगा। इससे देवता लोग परेशान होकर उन्होंने माता दुर्गा की रचना की और उन्हें तमाम अस्त्र शस्त्र दिए। माता दुर्गा ने 9 दिनों तक लगातार महिषासुर से युद्ध किया और अंततः उसका वध किया। इसलिए हम लोग नवरात्रि में 9 दिनों तक माता दुर्गा की आराधना करते हैं और 9वें दिन कुमारी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम ने 9 दिनों तक माता की आराधना करके 10वें दिन रावण को मारा था, इसलिए हम लोग भी 9 दिनों तक माता दुर्गा की आराधना करने के बाद 10वें दिन दशहरा मनाते हैं और रावण को जलाते हैं। नवरात्रि मनाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है, चूंकि इस समय 2 ऋतुओं का समागम होता है, जिससे हमारे शरीर के वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। तो उसका संतुलन बनाए रखने के लिए हम 9 दिनों तक माता दुर्गा की आराधना करते हैं और संतुलित जीवन, संतुलित खान पान और अनुशासन में रहते हुए माता दुर्गा की आराधना करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप पर भी माता दुर्गा की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।